हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट स्टिचिंग। और आज मैं आपको ओल्ड साड़ी से नायरा कट कुर्ते की कटिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। मैं यहाँ 1 मीटर ओल्ड फैब्रिक का यूज़ करूँगी फ्रेंड्स, और 1/2 मीटर साड़ी का यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ रिमूव कर दिया लेस को, और अब जो 1 मीटर जो फैब्रिक था ना, उसे हम एज अ चोली बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 मीटर कपड़े को 16 इंच लेंथ और 12 इंच विड्थ में कट करके फ्रंट पार्ट को ऊपर और बैक पार्ट को नीचे 4 तह में बिछा लिया है। अब जो फ्रेंड्स जो बंद वाली साइड है ना, वो मैंने अपनी तरफ कर ली है, और ओपन वाली साइड हम दूसरी तरफ कर लेंगे। अब देखें, जो बैक वाली साइड है ना, वो 1/2 इंच ऊपर की तरफ निकाल लें, क्योंकि जो नेक पीछे की तरफ जाता है ना, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। अब हमने यहाँ से तीरा मार्क करना है 6 इंच। अगर स्लीवलेस है तो आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर सकते हैं, क्या करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। अब आर्म होल की साइड तीरा 1/2 इंच अंदर की तरफ लें। जैसे मैंने ऊपर 6 इंच लिया है, तो नीचे हम 5.5 इंच पर ड्रॉ करेंगे अंदर की तरफ, और आर्म होल लेंथ हम साइज़ के अकॉर्डिंग लेंगे। अब हम बैक आर्म होल के लिए 1/2 इंच मार्क करेंगे। देखें फ्रेंड्स, मैंने 1/2 इंच को मार्क कर लिया है। बैक वाला मार्क फ्रंट वाले से 1.5 या 2 इंच लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ से ना 1.5 से 2 इंच ड्रॉ कर दिया है। बस इतना ही गैप होना चाहिए फ्रेंड्स, या तो 1.5 इंच या फिर 2 इंच। और अब नेक विड्थ से इसको मिला देंगे। अब जो 1/2 इंच है ना फ्रेंड्स, 1/2 इंच ऊपर की तरफ है जो फ्रंट वाले पार्ट में है, हम वहाँ से आर्म होल पर 1/2 इंच नीचे की तरफ लेंगे, और नेक वाले पार्ट को नेक विड्थ से मिला देंगे। अब हमारे पास यहाँ साइज 36 के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, हम 1/2 इंच पर मार्क करेंगे, यानी कि मतलब 1/2 इंच प्लस करेंगे, और यानी कि 1.5 10 पर मार्क करेंगे। बैक वाला 1/2 इंच अगर लाइनिंग वाला सूट हो, उसकी मार्किंग है ये। देखिए, मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर दिया है। अगर जैसे लाइनिंग वाला सूट होता है ना, तो आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही करना होता है। अब हम कमर का साइज लेंगे। कमर का साइज़ है हमारे पास 30 इंच, तो हम 30 को 4 से डिवाइड करके 7.5 लेंगे, तथा उसमें 1/2 इंच लूजिंग के लिए छोड़ेंगे। अब ऊपर वाले मार्क को नीचे वाले मार्क से अच्छे से मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चोली है तो प्लेट के लिए 10.5 इंच इसकी लेंथ लेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे 10.5 इंच लेंथ के ले रही हूँ, और इसकी विड्थ हम 3.7 या फिर 4.25 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर वाले मार्क को हम नीचे अच्छे से मिला देंगे। अब जो फ्रेंड्स जो चोली का लूजिंग है ना, वो हम देखिए, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब हम 2 इंच लूजिंग के लिए दे देंगे साइज़ में। अब हम नेक को ड्रॉ करेंगे और कट कर देंगे। देखें, अब मैंने नेक को ड्रॉ कर दिया है, और अब इसको इसी ड्रॉ के अकॉर्डिंग हम कट कर देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स, हम जो सारा मार्क किया हुआ है, उसे इसी अकॉर्डिंग कट कर लेंगे, और आगे वाले पीस के आर्म होल को हम उठा कर अलग से कट करके रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों कट कर लिए हैं। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने कट किया था ना चोली वाला, उस फैब्रिक को हम ऊपर की तरफ इस तरह से बिछाएंगे, और अब इसी अकॉर्डिंग हम मार्क भी कर सकते हैं, और ऐसे भी हम आसानी से इसको कट कर देंगे। फिर हम फ्रेंड्स
देखो अब हमने दोनों पार्ट्स को कट कर लिया है। ऐसे हम इसको स्टिच कर देंगे कच्चा, ठीक है। अब हम चोली को जॉइंट पार्ट साड़ी में से लेंगे। लेंथ मैंने यहाँ 40 इंच और विड्थ 32-35 इंच ली है और इसे 4 और स्टिचिंग फ्रेंड्स मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।